मेरा नाम सेवी थंगवेल हो तो ये गांव का नाम है मोहेंग गाँव, जिसको जिल्पी मोहेंग गाँव बोलते हैं। ये गांव में मैं करीब करीब 15 साल का पहले आए, तभी यहाँ जो आज देख रहे हैं वैसा नहीं था। यहाँ को घास भी नहीं उगाता था, ऐसा पूरा का पूरा पत्थर और मुरम ऐसा जगह था। लेकिन हमको ये पसंद आया यहाँ कुछ कर सकते हैं, फिर वो रूप से हम लोग 15 साल के पहले ये खरीदे, यहाँ आए, हम पूरा का पूरा घर बनाए, फिर धीरे धीरे खेती करना शुरू किए। खेती करने में वो नॉर्मल खेती तो शुरू किए हम लोग ने, जो नॉर्मल खेती सोयाबीन बोते हैं, गेहूं बोते हैं और यहाँ का कपास है, वो तो सब कुछ किए। ये जहाँ हम लोग करते करते जो बाजू में तालाब है वहाँ से मट्टी ला के डाले खेती में, जो यहाँ तो पत्थरी पत्थर था इसलिए हमने मट्टी काला मट्टी ला के डाले है और उसको धीरे धीरे झाड़ झूड़ लगाए। जो भी फसल लगाए वो जंगल का जानवर आके एक ही रात में ख़त्म करके निकल जाते थे। फसल आता नहीं आता वो दूसरा सेकेंडरी हो गया था हमारा, लेकिन जो जंगल का जानवर का इतना तकलीफ था हो तो, जो सुअर आते थे या हिरण आते थे नीलगाय आते थे एक ही रात में ख़त्म करके निकल जाते थे। फिर फसल कम आता है, जंगल जानवर का तकलीफ है, करना क्या है वो तो। सो इसमें हम काफ़ी कुछ इधर उधर ढूंढे है, अलग अलग लोग के पास बात किए है। फिर ये करते करते तो अपना मैं अपना अप्रैल मई जून आ गया हो तो, मई महीना में तो यहाँ 48-49 तक जाता है, पूरा का पूरा धूप ही धूप है वो तो, यहाँ कुछ नहीं होता वो तो। फिर हमारे दिमाग में यह आया था, जो डेजर्ट कंट्रीज में उन लोग ने क्या करते, अरेबियन कंट्रीज में भी इससे ज़्यादा है, वहाँ तो 50 के ऊपर है टेम्परेचर, उन लोग क्या करते। फिर हमारे दिमाग में यह आया अपना डेट्स का, जो खजूर खेती होता है वो पूरा का पूरा होता है कि अरेबियन कंट्रीज में। हमने सोचा था ये जोड़ा करके देखा तो कैसे होगा। फिर हम उसके बारे में थोड़ा इधर उधर रिसर्च किए, जो तमिलनाडु में एक जन कर रहा था होता तभी वहाँ जाके देखा, उनके पास बात किए और वो बोले आता तो अच्छा आता है सर बोले, लेकिन जो प्लांट का कास्ट था वो टिश्यू कल्चर प्लांट था, तभी जो हमने बात किए तभी उनके पास प्लांट था 6,000 रुपये का एक प्लांट, टिश्यू कल्चर प्लांट था इतना था। अभी हमको तो 6,000 चुन के ही एक चक्कर आ गए, 6,000 रुपये का एक प्लांट लेके आप करेंगे क्या वो तो। ठीक है, इतना में 2009 में मैं रिटायर्ड हो गया, अपना काम छोड़ दिए। फिर मेरा दिमाग में यही घूम रहा था अभी कुछ भी करके ये करके देखेंगे, जो हिम्मत लेके हम नया 2009 में 130 प्लांट का ऑर्डर दिए और 130 प्लांट हमारा खेती में लगा है। उसके कारण दो कारण था, पहले कारण ये जंगल जानवर से उसको नुकसान कुछ नहीं होता क्योंकि काटा रहता है, जंगल जानवर इसको कुछ नहीं करते। सेकेंडली इसका पानी कम लगता है, उतना जो नॉर्मल प्लांट का लगता है उसमें उतना पानी नहीं लगता। तीसरा पॉइंट है उसको कोई बीमारी नहीं आता, और नॉर्मल प्लांट सरी का उसका बीमारी कुछ आता नहीं है, और उसको केमिकल इनपुट का ज़रूरत नहीं है, आपका नॉर्मल ऑर्गेनिक कट से वो उगाता है। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात उसमें था, एक पैर लगाया तो ये 150 साल तक जाता है, और ये प्लांट का उम्र बहुत ज़्यादा है। प्लस उसके इकोनॉमिकली हम फेंकने से शुरुआत में इसका जो फल आता है 25-30 किलो में शुरू होता है ऑन द 4th-5th ईयर में, ये बढ़ते बढ़ते 300 किलो तक जाता है, एक जाड़ का उत्पादन 300 किलो तक जाता है। हमको पहला साल ही हमारा जो इन्वेस्टमेंट था पूरा का पूरा पैसा निकल गया, बाकी लोग लगा रहे फिलहाल में गुजरात में है, गुजरात में काफ़ी जगह लगा हुआ है, राजस्थान में है, राजस्थान में काफ़ी लोग लगा रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किए, हम लोग वी वांट टू चेंज द डेजर्ट इनटू ग्रीनरी, और उन लोग कर रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट इसको 90% सब्सिडी देता है, डायरेक्टली उन लोग इंपोर्ट करते प्लांट को फार्मर्स को देते हैं, और गुजरात का गवर्नमेंट फिलहाल में 50-60% उसको सब्सिडी देता है, और उन लोग एनकरेज करते हैं उसको लगाने के लिए। उसके कारण वहाँ काफ़ी अभी
बहुत ज़्यादा प्रमाणित से उन लोग का वहाँ लगाई चालू हुई और वहाँ से ही फ्रूट अपना इसमें जो विदर्भा है या चेन्नई है बेंगलोर है वहाँ जाता है। खजूर कल्टिवेशन के लिए दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको विंटर में क्लाइमेट कम चाहिए, 10 डिग्री का नीचे चाहिए उसको विंटर में, जो दिसंबर जनवरी में है तभी उसका फ्लावर का इनिशिएशन होता है, नहीं तो फ्लावर इनिशिएशन नहीं होता। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। सेकेंडली, कितना ज़्यादा धूप जाता है उतना अच्छा है, धूप कितना बढ़ता है उतना मीठापन आता है इसमें। सो इसलिए ये दोनों को बहुत ही फेवरेबल है अपना विदर्भा में, इसलिए विदर्भा का जहाँ में पानी कम है लोग लगा सकते हैं, लेकिन अपना गवर्नमेंट का जो हॉर्टिकल्चर का लिस्ट में ये नाम नहीं है, ये लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण लोग को सब्सिडी नहीं मिलता, सब्सिडी कहता बहुत दूर है, बैंक लोन नहीं मिलता, क्योंकि बैंक लोन में आप अप्लाई किए पहले उन लोग को देखते हैं ये नाम है क्या अपना हॉर्टिकल्चर का लिस्ट में, उसमें नाम नहीं है। उसके कारण जो फार्मर्स का कोई फायदा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता, और गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर्स की तरफ से हम लोग को पैसा नहीं मांग रहे, ये नाम कम से कम इंक्लूड करिए भाई साहब अपना इसमें जो लिस्ट में, इसमें तकलीफ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उसमें ये नाम है, और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड लोन भी देता है और सब्सिडी भी देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड बड़ा फार्मर्स को देता है, उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10, 15, 20, 25 एकड़, 50 एकड़ लगाने के है तो पट से उन लोग देते हैं। जो नॉर्मल फार्मर 1 एकड़ लगाना मांगता, 2 एकड़ लगाना मांगता, उनके लिए सब्सिडी नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ही हो सकता है, और हमारा पूरा विश्वास है आने वाले दिन में स्टेट गवर्नमेंट भी इसको इंक्लूड करेगा और आगे सब्सिडी देगा। ऐसा तभी खर्चा पकड़ के 1 एकड़ का आपको 4 लाख रुपया तक खर्चा का आ सकता है वो तो। और एक बार ये लगाए इसके बीच में आप इंटर कल्टीवेशन कर सकते हैं, आपका नॉर्मल कल्टीवेशन का कोई धक्का नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली आप जो कल्टीवेशन करते हैं वेजिटेबल है या नॉर्मल छोटा मोटा क्रॉप है वो सभी ले सकते हैं, क्योंकि 25 फुट काफ़ी बड़ा जगह है उसका आपका स्पैन मिलता है, ये कम्प्लीटली नया फ्रूट है, इसलिए उसका कोशिश करना अपना काम है, मार्केटिंग को अपन करना जरूरी है, इसलिए अपन प्रोड्यूस करने से अपन को फ़ायदा हो सकता है और बहुत कुछ आगे जा सकता है।